अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक नई रेसिपी, कद्दू का सांभर। ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सांभर बनता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, एकदम आसानी से बन भी जाता है। हम यहाँ पर देख लेंगे इंग्रेडिएंट्स। हमने यहाँ पर 250 से 300 ग्राम कद्दू ले लिया है। अगर आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम बनाना चाहें तो कम भी ले सकते हैं। इसे हमने स्लाइस में काट लिया है, देखिए पतले पतले स्लाइस में काट लेना है, या तो आप चाहें छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। आप ज़्यादा मोटा कद्दू ना काटें। हमने इसे अच्छे से धुल लिया था काटने से पहले, तो आप भी इसे अच्छे से धुल लें। कद्दू को काटने से पहले अच्छे से धुल लें, उसके बाद काटें। यहाँ पर हमने 3 बड़े टमाटर ले लिए है, इसे भी धुल लिया है, और इसे हमें मोटा मोटा टुकड़ों में काट लेना है। अगर आप कद्दू कम ज़्यादा करते हैं तो उसी हिसाब से टमाटर भी ले लें। यहाँ पर हम ले लेंगे आधी प्याली के करीब चना दाल, आप कप से आधा कप भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे 1.5 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लेना है। 12 लहसुन की कलियाँ ले लेना है हमें। यहाँ पर हम 7 हरी मिर्चें ले लेंगे, ये तीखी वाली नहीं है, आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया ले लेना है और थोड़ा सा पुदीना लेना है। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से धुल लिया है। यहाँ पर ले लेंगे 1 छोटा चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च, हमने इसे कलर के लिए लिया है कश्मीरी लाल मिर्च को। 1/2 छोटा चम्मच ले लेना है हल्दी पाउडर। यहाँ पर हम ले लेंगे 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, और यहाँ पर हम ले लेंगे 1/2 छोटा चम्मच सांभर मसाला पाउडर। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे 1 छोटा चम्मच भरकर राई, 2 लाल मिर्च और करी पत्ता ले लेना है। यहाँ पर हम ले लेंगे 1 बर्तन, इसमें हम 2 बड़े चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें नई नई रेसिपी के लिए। देखिए हमने 2 बड़े चम्मच के करीब तेल डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो चने की दाल ली थी, चने की दाल डालकर हमें इसे अच्छे से भून लेना है, कलर चेंज होने तक का, हल्का गोल्डन होने देना है। ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सा सांभर बनकर तैयार होता है। यकीन माने एक बार आप खाएंगे ना तो सारे सांभर बनाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी बनता है। हमने दाल को भूनने के लिए मीडियम आँच रखी थी, आप चाहे तो तेज़ आँच या स्लो आँच पर भी भून सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी, और हमें बीच बीच में चलाते रहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी चने की दाल का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे 1 बर्तन में। यहाँ पर आँच स्लो कर दें निकालते वक्त चने की दाल को, नहीं तो बाकी जो चने की दाल है वो जल जाएंगी। देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके चने की दाल निकाल लिया है। अब उसी तेल में हम डाल देंगे हमने जो कद्दू लिए थे, सारे कद्दू डाल देना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आप कम बनाना चाहें तो थोड़ा सा भी कद्दू ले सकते हैं। इसे हम चला लेंगे अच्छे से। हमने इन्हें भी भुनने के लिए मीडियम ही आँच रखा था, आप चाहें तो तेज़ या स्लो आँच पर भी इसे भुन सकते हैं। अच्छे से चला लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने साइड चेंज कर ली है, हमें बीच बीच में चलाते रहना है। इसे हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। हमें इसे तेल में ज़्यादा नहीं भुनना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर भून ले, हल्का सा कलर चेंज होने तक का कद्दू का। देखिए आप देख सकते हैं कद्दू का कलर चेंज हो चुका है, 5 मिनट हो चुके थे। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे उसी प्लेट में जिसमें हमने चने की दाल निकाली थी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना के देखें, आपके घर वाले आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। यहाँ पर सारा निकाल लिया है हमने, उसी तेल में डाल देंगे हमने जो ज़ीरा लिया था। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर। अब इसमें डाल देना है हमने जो हरी मिर्च, धनिया, पुदीना वगैरह लिए थे, सारे डाल देना है, और इन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे। टमाटर सॉफ्ट होने तक का हमें इन्हें भून लेना है, अच्छे से चला लेंगे हम। इससे भी पकने में 5 मिनट तक का लग जाते हैं, तो 5 मिनट तक का पका लें। और यहाँ पर हमें बीच बीच में चलाते रहना है। देखिए आप देख सकते हैं हमारे टमाटर वगैरह अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, 5 मिनट हो गए थे। तो यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे।
जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम डाल देंगे हमने जो कद्दू और चने की दाल पीस कर रखी थी, दोनों को डाल देना है। और इसे पीसने के लिए हम पानी नहीं डालेंगे, बगैर पानी का ही पीसेंगे। और एकदम बारीक सा पीसना है, मोटा नहीं पीसना है, एकदम बारीक सा पीस लें। दालें वगैरह खड़ी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पीस लिया है कद्दू और चने की दाल को। इसे अब हम निकाल लेंगे एक बर्तन में, एकदम बारीक सा पीसना है, हमने यहाँ पर बारीक सा पीसा है। देखिए हमने यहाँ पर बर्तन ले लिया है, इसमें अब हम निकाल लेंगे हमने जो कद्दू और चने की दाल पीसी थी। ऐसे ही करके हमें सारा पीस लेना है कद्दू और चने की दाल। देखिए आप देख सकते हैं हमने दूसरा बैच भी निकाल लिया है पीस के। अब हम इसमें टमाटर वगैरह जो हमने लिए थे भून के रखे थे, हमने टमाटर हरा धनिया वगैरह जो सॉफ्ट करके रखा था उसे पीस लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पीस लेना है, एकदम बारीक पीसना है। देखिए इसे भी हमने पूरा पीस लिया है। अब उसी बर्तन में एक बड़ा चम्मच के करीब तेल हमने डाल दिया था, इसमें डाल देंगे अब हम करी पत्ता डाल देना है हमें। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमने जो राई और लाल मिर्चें ली थी। हमने यहाँ पर आँच स्लो रखी है, स्लो आँच रखें, तेज़ आँच ना रखें। हल्दी पाउडर डाल देंगे, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली थी। इसके बाद हमें इसमें सांभर मसाला पाउडर डाल देना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमने जो प्याज ली थी, छोटी सी प्याज लेकर हमने बारीक बारीक काट लिया था। प्याज डालने के बाद इसे हम चला लेंगे। हमने यहाँ पर अभी भी आँच स्लो ही रखी है, तो आँच स्लो रखे और इसे हम थोड़ा सा पकने देंगे प्याज को। प्याज को पकने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, तो इसे स्लो आँच पर 3 से 4 मिनट पका लेंगे हम। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमने जो हमें डाल देना है, जितना भी हमने लिया था पीस के टमाटर कद्दू वगैरह सब, और हमारे मिक्सी के जार में और इस बर्तन में जो लगे हैं उसे हम पानी से धुलकर इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो फिर सांभर को और भी पतला कर सकते हैं, तो पानी ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर गाढ़ा चाहें तो गाढ़ा भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा सांभर बनाएंगे, ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे। हमने चला लिया है इसे, अब हम 5 मिनट के लिए स्लो ही आँच पर पकने देंगे। 1.5 छोटा चम्मच हम नमक डाल देंगे, हमने 1 छोटा चम्मच डाल दिया है। अब 1/2 छोटा चम्मच और ऐड कर देंगे, आप अपने हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1.5 छोटे चम्मच नमक डाले हैं। चला लेंगे इसे अच्छे से। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमने यहाँ पर गाढ़ा सांभर रखा है, अगर आप चाहें तो पतला भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं हमारे सांभर को पकते हुए। चलाने के बाद हम इसे बंद कर देंगे। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। यकीन माने एक बार मेरे तरीके से सांभर बना कर देखें, जो भी खाएगा आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सा सांभर बनकर तैयार होता है। आप इसे इडली, डोसा, मेंदू वड़ा, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। इस पर हम हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। देखिए तैयार है हमारा कद्दू का सांभर, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सा। हमने यहाँ पर गाढ़ा बनाया है, आप चाहें तो पतला भी कर सकते हैं सांभर को। इसे हम इडली के साथ सर्व करेंगे। यहाँ पर हमने इडली ले ली है और इसे हम सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सा कद्दू के सांभर के साथ बहुत ही अच्छा लगता है इसका कॉम्बिनेशन, आप ज़रूर बनाएं। और इसमें हमें ना दाल पकाने की ज़रूरत होती है, ना दाल को बॉईल करने की, और ना बाकी सब्जियां ऐड करने की। बिना दाल और बिना सब्जियों के हमारा सांभर तैयार हो जाता है, बहुत ही टेस्टी आला जवाब सा।